सोलन नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। 17 में से 9 वार्डों पर कांग्रेस ने विजय हासिल कर ली है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा शहर में विजय रैली निकाली गई। ये रैली सोलन के रेस्ट हाउस से आरंभ हुई और फिर सोलन के शूलनी माता मंदिर तक निकली। इस मौके पर कांग्रेस नगर निगम प्रभारी राजेंद्र राणा, सोलन के विधायक धनीराम शांडिल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा गया और विजेता पार्षदों ने शहरवासियों का रैली के माध्यम से धन्यवाद किया। इस मौके पर प्रभारी राजेंद्र राणा ने कांग्रेस की नगर निगम बनाने के लिए शहरवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि जैसे ही नगर निगम पर कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद पद भार संभालेंगे, वे शहरवासियों को किए वायदे पूरे कुछ ही दिनों में पूर्ण करना आरंभ कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे सोलन वासियों को न्यूनतम दर पर पानी उपलब्ध करवाएंगे और पानी शहरवासियों को प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूड़ा हर घर से निशुल्क उठाया जाएगा। इसके अलावा भी जो वायदे कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में किए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कहती है वे करके दिखाती है, ये बात आने वाले समय में साबित हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र किया जारी किया है, उसको पूरा कैलकुलेट किया गया है और जो हमने बातें कही हैं उनको निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए और सोलन की जनता की डटकर सेवा की जाएगी और विकास जो वायदे हैं विकास को लेकर किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। सोलन की तमाम जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, विश्वास प्रकट किया है। हम उसके लिए कांग्रेस का पार्टी की तरफ से जो है सोलन के तमाम शहर के वासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं और वहीं पर इसके लिए मैं पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं का जिनकी जिम्मेवारियां वार्डों में लगी थी, आए थे, स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनका सबका मैं धन्यवाद पार्टी की तरफ से करना चाहता हूँ कि उनका डटकर उन्होंने जो है वो पार्टी का काम किया है और यहाँ नगर निगम जो है वो उसमें जो है कांग्रेस का परचम लहराया है। इसलिए वहीं पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद यहाँ पर रहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साफ तौर पर इस चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की जो जनता है वो सरकार की वादा खिलाफी से तंग है, वादा खिलाफी का जवाब देना चाहती है, महंगाई से तंग है, नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी से तंग हैं, कर्मचारी सरकार की वादा खिलाफी से तंग हैं और व्यापारी जो है उसका व्यापार पूरी तरह GST और नोटबंदी के असर जो हैं अब दिखे जा रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ को लेकर जो है लोग जो हैं वो तंग हैं और सीधा सीधा यहाँ की जनता ने और प्रदेश की जनता ने आने वाले समय के लिए एक संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली से सरकार से लोग नाखुश हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो ये वायदे आपने किए हैं, इसी की कोई सीमा आपने तय की है, समय सीमा कि कब तक हो जाएगा? देखिए, मैंने 4 महीने या 1 साल या 2 साल, हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही नगर निगम का गठन होगा, सप्त होगी और कार्यभार कांग्रेस पार्टी संभालेगी, तुरंत बाद जल्दी से जल्दी इस पे अमल किया जाए।